हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है यशोदा यशोदा दो हज़ार की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज पेन इंडिया फिल्म है जहां पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज के अलावा तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी डब वर्जन में रिलीज़ किया जाने वाला है तो इस फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के हिंदी डब वर्जन के साथ साथ साउथ इंडियन लैंग्वेज़ में फिल्म कौन से सेटेलाइट चैनल कौन से यूट्यूब चैनल कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो सकता है उसका प्रोडिक्शन देंगे साथ ही में फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करेंगे स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करेंगे सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बातचीत करेंगे तो इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर डीप में चर्चा होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं यस्तुदा तो जो दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्सन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो so इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम नाम यानी कि यशोदा नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवालेंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म में जहाँ पर समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्हीं मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज सत्रो मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही तो उनकी लैंग्वेज में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहाँ वही इसके अलावा हिंदी वर्ज़न को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज़ के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है जहां पे काफ़ी प्रोमिनंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्ज़न में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्जन का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया है तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्ज़न में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनी शर्मा वहां ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम नजर आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफ़ी तगड़ा नज़र आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है और टीजर ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स है जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी का, का काम काफ़ी अव्वल दर्जे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोग को काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म के लीड कास्ट से लेकर का, सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफी बढ़िया तरीके से जज रहे उनका काम अच्छा नजर आ रहा है एडिटिंग में काफी बढ़िया काम नज़र आ रहा है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नज़र आ रहा है सी जी का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी तरह से प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम देखने को मिल रहा है टीजर ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जो जब रिलीज होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पांस पॉजिटिव रहेगा तो ये फिल्म जरूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ सौ करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेज में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आए अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे फिल्म डे बाई डे वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशुदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेजन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था सत्रह अक्टूबर दो को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी ग्यारह नवंबर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डब द कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है और अब ये फिल्म ग्यारह नवंबर दो को रिलीज होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ सौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टेग ले सकती है सभी वर्जन्स में तो इस तरह से ये फिल्म एक का अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए जाएगा यशोदा तो जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम नाम यानी कि यशोदा तो नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पर जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए हैं फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा लिंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है ऊनी मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज शत्रु मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही उनकी लैंग्वेज़ में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहाँ वही इसके अलावा हिंदी वर्ज़न को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ ओ फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू एफ ओ वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज़ के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस ट्रे, टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसमें काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है जहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर 2021 को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगू दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्ज़न में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्जन का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया है तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्ज़न में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सिक्वेंस के एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो और उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनी शर्मा वहां ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफ़ी तगड़ा नजर आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है वो ट्रीज़र ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देप नजर आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी जी का, का काम काफ़ी अवल दर्जे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म की लीड कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से जज रहे उनका काम अच्छा नज़र आ रहा है एडिटिंग में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आ रहा है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नज़र आ रहा है सी जी का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरह से की गई है प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम न, देखने को मिल रहा है टीजर ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेजेस में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आया अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे फिल्म डे बाई डे व पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशोदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेजन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था 17 अक्टूबर 2022 को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी 11 नवंबर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डबड द कन्नाडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और अब ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ सौ करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टैग ले सकती है सभी वर्जन्स में तो इस तरह से ये फिल्म एक का अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज़ में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए जाएगा। जो 2022 की इंडियन लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जहां पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम यशोदा नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पर जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा लिंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्नी मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज शत्रु मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स कुशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज है वही उनकी लैंग्वेज में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहाँ वही इसके अलावा हिंदी वर्जन को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यूएफओ फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यूएफओ वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेजेस के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस ट्रे, टीजर ट्रेलर जो आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है जहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर 2021 को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगू दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्ज़न में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्ज़न का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया है तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्ज़न में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार मार्थन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सिक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनी शर्मा वाले ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफ़ी तगड़ा नजर आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है वो ट्रीज़र ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी का, का काम काफ़ी अवल दर्जे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म की लीड कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से जज रहे उनका काम अच्छा नज़र आ रहा है एडिटिंग में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आ रहा है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नज़र आ रहा है सी जी का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरह से की गई है प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम न, देखने को मिल रहा है टीजर ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा तो ये फ़िल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेजेस में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आया अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे फिल्म डे बाई डे व पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशोदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेज़न था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था 17 अक्टूबर 2022 को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी 11 नवंबर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डबड तक कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और अब ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ सौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टैग ले सकती है सभी वर्जन्स में तो इस तरह से ये फिल्म एक का अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए जाएगा यश जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम नाम यानी कि यशोदा नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पर जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा लिंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहां पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्नी मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज शत्रु मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में ख़रीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही तो उनकी लैंग्वेज़ में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहाँ वही इसके अलावा हिंदी वर्ज़न को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ़ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज़ के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस इस ट्रे, टीजर ट्रेलर जो आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है जहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बाइल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है तो इसके अलावा तेलुगू तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्ज़न का जो वर्जन था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया है तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्ज़न में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी हो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनी शर्मा वाले ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीज़र ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफ़ी तगड़ा नज़र आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मूवमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मूवमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है वो टीज़र ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नजर आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स जो टीज़र ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देख नजर आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी जी का आई का काम काफी अव्वल दर्जे का देखने को मिल रहा है जहां पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया काम किया हुआ है काफी अच्छे अच्छे लोकेशंस को काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म लीड का के लीड कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफी बढ़िया तरीके से जज रहे उनका काम अच्छा नजर आ रहा है एडिटिंग में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नजर आ रहा है सी जी वी एफ का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी तरह से किए गए हैं प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम न, देखने को मिल रहा है टीजर ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा तो ये फ़िल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेजेस में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आया अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे फिल्म डे बाई डे व पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशोदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेज़न था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था 17 अक्टूबर 2022 को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी 11 नवंबर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डब द कन्नाडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और अब ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ सौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टेग ले सकती है सभी वर्जनस में तो इस तरह से ये फिल्म एक का अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए जाएगा यश तो जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम नाम यानी कि यशोदा तो नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पर जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा लिंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहां पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्नी मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज शत्रु मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही उनकी लैंग्वेज़ में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहीं वही इसके अलावा हिंदी वर्जन को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ ओ फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू एफ ओ वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस ट्रे, टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसमें काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है जहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नाडा मलयालम और हिंदी वर्जन में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्ज़न का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्जन में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनीष शर्मा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफ़ी तगड़ा नजर आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है वो ट्रीज़र ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी का, का काम काफ़ी अवल दर्जे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म की लीड कास्ट सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से जज रहे उनका काम अच्छा नजर आ रहा है एडिटिंग में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नजर आ रहा है सीजीआई का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी तरह से की गई है प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम न, देखने को मिल रहा है टीजर ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा तो ये फ़िल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेजेस में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आया अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे फिल्म डे बाई डे व पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशोदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेजन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था 17 अक्टूबर 2022 को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी 11 नवंबर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डब द कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और अब ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फ़िल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ सौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टेग ले सकती है सभी वर्जन्स में तो इस तरह से ये फिल्म एक का अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज़ में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए जाएगा यशोदा जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम नाम यानी कि यशोदा नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पर जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा लिंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहां पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्नी मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज शत्रु मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही उनकी लैंग्वेज में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहीं वही इसके अलावा हिंदी वर्जन को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस इस टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसमें काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है जहां पे काफ़ी प्रोमिनेंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्ज़न का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया है तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्जन में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनीष शर्मा वहां ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफ़ी तगड़ा नजर आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है वो ट्रीज़र ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स है जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी का, का काम काफ़ी अवल दर्जे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म की लीड कास्ट लेकर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से जज रहे उनका काम अच्छा नज़र आ रहा है एडिटिंग में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आ रहा है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नज़र आ रहा है सी जी का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरह से की गई है प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम देखने को मिल रहा है टीजर ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फ़िल्म जब रिलीज होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेजेस में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आया अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे ये फिल्म डे बाई डे व वा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशोदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेशन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था सत्रह अक्टूबर दो तो हज़ार बाईस को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी ग्यारह नवंबर दो तो हज़ार बाईस और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा जहाँ पर उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डब द कन्नाडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और अब ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ सौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टेग ले सकती है सभी वर्जनस में तो इस तरह से ये फिल्म एक का अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज़ में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए जाएगा। तो जो 2022 की इंडियन लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जहां पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थियेटर में सेम यशोदा तो नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पर जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा लिंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहां पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्नी मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज शत्रु मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही तो उनकी लैंग्वेज में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहाँ वही इसके अलावा हिंदी वर्ज़न को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज़ के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है जहां पे काफ़ी प्रोमिनेंट का एक का प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्ज़न का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया है तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्जन में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनीष शर्मा वहां ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफी तगड़ा नजर आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है और टीज़र ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी जे आई का काम काफी अव्वल दजे का देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म के लीड कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफी बढ़िया तरीके से जच रहे उनका काम अच्छा नज़र आ रहा है में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नजर आ रहा है सी जी का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी तरह से की गई है प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम देखने को मिल रहा है टीजर ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफ़ी ज्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पांस पॉजिटिव रहेगा तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ सौ करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेज में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आए अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे फिल्म डे बाई डे वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशुदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेसन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था सत्रह अक्टूबर दो को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी ग्यारह नवंबर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डब द कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और अब ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ सौ करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टेग ले सकती है सभी वर्जन्स में तो इस तरह से ये फिल्म एक का अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज़ में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए जाएगा। तो जो 2022 की इंडियन लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जहां पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थियेटर में सेम यशोदा तो नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा लिंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्नी मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज शत्रु मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही तो उनकी लैंग्वेज में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहाँ वही इसके अलावा हिंदी वर्ज़न को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज़ के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है जहां पे काफ़ी प्रोमिनंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्ज़न में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्जन का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया है तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्ज़न में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनी शर्मा वाले ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी काफ़ी तगड़ा नजर आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है और टीजर ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स है जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी का, का काम काफ़ी अव्वल दर्जे का देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोग काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म के लीड कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफी बढ़िया तरीके से जच रहे उनका काम अच्छा नजर आ रहा है एडिटिंग में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नजर आ रहा है सी जी का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी तरह से की गई है प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम देखने को मिल रहा है टीज़र ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पांस पॉजिटिव रहेगा तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ सौ करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेज में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आए अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे ये फिल्म डे बाई डे वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशुदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेसन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था सत्रह अक्टूबर दो को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी ग्यारह नवंबर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डब द कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है और अब ये फिल्म ग्यारह नवंबर दो को रिलीज होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ सौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टैग ले सकती है सभी वर्जन्स में तो इस तरह से ये फिल्म एक का अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज़ में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए यशोदा तो जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। जहां पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम नाम यानी कि यशोदा तो नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला भाग्या लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा लेंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म फिल्में जहाँ पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्हीं मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज सत्रो मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमाटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही तो उनकी लैंग्वेज में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहाँ वही इसके अलावा हिंदी वर्ज़न को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज़ के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है जहां पे काफ़ी प्रोमिनंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्ज़न में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्जन का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया है तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्ज़न में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनी शर्मा वहां ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम नजर आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी काफ़ी तगड़ा नजर आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है और टीजर ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स है जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी का, का काम काफ़ी अव्वल दर्जे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोग को काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म के लीड कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफी बढ़िया तरीके से जच रहे उनका काम अच्छा नजर आ रहा है एडिटिंग में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नजर आ रहा है सी जी का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी तरह से की गई है प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम न, देखने को मिल रहा है टीजर ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा तो ये फ़िल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेजेस में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आया अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे फिल्म डे बाई डे व पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशोदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेज़न था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था 17 अक्टूबर 2022 को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी 11 नवंबर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डबड द कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और अब ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टैग ले सकती है सभी वर्जन्स में तो इस तरह से ये फिल्म एक का अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज़ में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए तो मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम नाम यशोदा तो नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए हैं फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा लेंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म में जहाँ पर समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्हीं मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज सत्रो मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही तो उनकी लैंग्वेज में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहाँ वही इसके अलावा हिंदी वर्ज़न को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज़ के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है जहां पे काफ़ी प्रोमिनंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्ज़न में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्ज़न का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया है तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्ज़न में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सिक्वेंस के एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनी शर्मा वाले ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम नजर आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी काफ़ी तगड़ा नजर आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है और टीजर ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स है जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी का, का काम काफ़ी अव्वल दर्जे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोग को काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म के लीड कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफी बढ़िया तरीके से जच रहे उनका काम अच्छा नजर आ रहा है एडिटिंग में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नजर आ रहा है सी जी का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी तरह से की गई है प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम न, देखने को मिल रहा है टीजर ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा तो ये फ़िल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेजेस में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आया अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे फिल्म डे बाई डे व पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशोदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेजन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था 17 अक्टूबर 2022 को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी 11 नवंबर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डब्ड द कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और अब ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ सौ करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टेग ले सकती है सभी वर्जनस में तो इस तरह से ये फिल्म एक का अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए जाएगा यस तो दा जो 2022 की इंडियन तेलुगु तेलुगु लैंग्वेज लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। जहां पे इस फिल्म को में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम नाम यानी कि यशोदा तो नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए हैं फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा लेंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म में जहाँ पर समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्हीं मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज सत्रो मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही उनकी लैंग्वेज में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहीं वही इसके अलावा हिंदी वर्जन को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस टीजर ट्रेलर जो आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है जहां पे काफ़ी प्रोमिनेंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्जन का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया है तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्ज़न में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनी शर्मा वाले ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम नजर आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफ़ी तगड़ा नजर आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है और टीजर ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स है जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी जे आई का काम काफ़ी अव्ल दर्जे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोग को काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म के लीड कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफी बढ़िया तरीके से जच रहे उनका काम अच्छा नजर आ रहा है एडिटिंग में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नजर आ रहा है सी जी वी एफ का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी तरह से की गई है प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम देखने को मिल रहा है टीजर ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पांस पॉजिटिव रहेगा तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ सौ करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेज में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आए अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे ये फिल्म डे बाई डे व पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशुदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेसन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था सत्रह अक्टूबर दो को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी ग्यारह नवंबर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डब द कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है और अब ये फिल्म ग्यारह नवंबर दो को रिलीज होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ सौ करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टेग ले सकती है सभी वर्जनस में तो इस तरह से ये फिल्म एक का अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए तो मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम नाम यशोदा तो नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा लेंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म फिल्में जहाँ पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्नी मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे पारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज सत्रो मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही उनकी लैंग्वेज में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहीं वही इसके अलावा हिंदी वर्जन को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज़ के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस, इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस टीजर ट्रेलर जो आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है जहां पे काफ़ी प्रोमिनेंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्ज़न का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फिलहाल में तेलुगु वर्ज़न में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनीष शर्मा वहां ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफ़ी तगड़ा नजर आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है वो ट्रीज़र ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी का, का काम काफ़ी अव्वल दजे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म की लीड कास्ट लेकर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफी बढ़िया तरीके से जज रहे उनका काम अच्छा नजर आ रहा है एडिटिंग में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नजर आ रहा है सीजीआई का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी अच्छी तरह से किए गए प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम न, देखने को मिल रहा है टीजर ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पॉन्स मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक किसी तरह का रिस्पांस पॉजिटिव रहेगा तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेज में अगर अच्छा खासा आया, अच्छा खासा आया, तो सभी डे बाई माउथ के चलते ग्रोथ ले ले फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेजन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था 17 अक्टूबर 2022 को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी 11 नवंबर और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डब द कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और अब ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ सौ करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टेग ले सकती है सभी वर्जनस में तो इस तरह से ये फिल्म एक अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज़ में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए जाएगा यस तो जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम नाम यानी कि यशोदा तो नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पर जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा लेंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म में जहाँ पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्नी मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज शत्रु मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही उनकी लैंग्वेज में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहीं वही इसके अलावा हिंदी वर्जन को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज़ के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस टीजर ट्रेलर जो आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है जहां पे काफ़ी प्रोमिनेंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्जन का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्ज़न में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी हो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनी शर्मा वाले ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेजेस में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफ़ी तगड़ा नज़र आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है वो ट्रीज़र ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए हैं उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी का, का काम काफ़ी अव्वल दर्जे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म की लीड कास्ट लेकर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफी बढ़िया तरीके से जच रहे उनका काम अच्छा नजर आ रहा है एडिटिंग में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नजर आ रहा है सी जी का, का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी अच्छी तरह से किए गए प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम न, देखने को मिल रहा है टीजर ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पॉन्स मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक किसी तरह का रिस्पांस पॉजिटिव रहेगा तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेज में अगर अच्छा खासा आया, अच्छा खासा आया, तो सभी डे बाई माउथ के चलते ग्रोथ ले ले फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेशन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था 17 अक्टूबर 2022 को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी 11 नवंबर और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डबड द कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और अब ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टैग ले सकती है सभी वर्जन्स में तो इस तरह से ये फिल्म एक का अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए जाएगा। यस तो दा जो 2022 की इंडियन लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जहां पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थियेटर में सेम यशोदा तो नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पर जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा शिवालेंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म में जहां पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्नी मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज शत्रु मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक मु, मु, वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही तो उनकी लैंग्वेज में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहीं वही इसके अलावा हिंदी वर्जन को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज़ के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसमें काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है जहां पे काफ़ी प्रोमिनेंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बाइलेंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्ज़न का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया है तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्ज़न में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी हो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पर एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनी शर्मा वाले ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स एक को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफ़ी तगड़ा नज़र आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है वो टीजर ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए हैं उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी का, का काम काफ़ी अव्वल दर्जे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म की लीड कास्ट सपोर्टिंग ऊपर ये रोल काफी बढ़िया तरीके से रहे, उनका काम अच्छा नजर आ रहा है एडिटिंग में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नजर आ रहा है सीजीआई का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी तरह से किए गई है प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम न, देखने को मिल रहा है टीज़र ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा तो ये फ़िल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेजेस में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आया अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे फिल्म डे बाई डे वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशोदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेजन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था 17 अक्टूबर 2022 को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी 11 नवंबर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डबड द कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और अब ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टैग ले सकती है सभी वर्जन्स में तो इस तरह से ये फिल्म एक अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए जाएगा यस तो जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम नाम यानी कि यशोदा तो नाम के साथ अवेलेबल करने वाले की फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं <सथ> पे जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा शिवालेंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म में जहां पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्नी मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज शत्रु मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइस में ख़रीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही तो उनकी लैंग्वेज़ में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहाँ वही इसके अलावा हिंदी वर्ज़न को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यूएफओ फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यूएफओ वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्ज़न के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ख़रीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज़ के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस इस ट्रे, टीजर ट्रेलर जो आउट है उसमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है जहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बाइल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है तो इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्जन का जो वर्ज़न था तमिल वर्जन उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फिलहाल में तेलुगु वर्जन में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनीष शर्मा वहां ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेज़ में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफ़ी तगड़ा नज़र आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है वो ट्रीज़र ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए हैं उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी जे आई का काम काफ़ी अव्वल दर्जे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म की लीड कास्ट लेका सपोर्टिंग ऊपर ये रोल काफी बढ़िया तरीके से रहे, उनका काम अच्छा नजर आ रहा है एडिटिंग में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नजर आ रहा है सीजीआई का, का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी तरह से की गई है प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम न, देखने को मिल रहा है टीज़र ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा तो ये फ़िल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेजेस में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आया अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे फिल्म डे बाई डे वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशोदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेशन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था 17 अक्टूबर 2022 को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी 11 नवंबर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डब्ड द कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और अब ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ सौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टेग ले सकती है सभी वर्जनस में तो इस तरह से ये फिल्म एक अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए जाएगा यस तो जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम नाम यानी कि यशोदा तो नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा शिवालेंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म में जहाँ पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्नी मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज शत्रु मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक मु, मु, वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही तो उनकी लैंग्वेज में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहाँ वही इसके अलावा हिंदी वर्जन को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज़ के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस ट्रे ट्रे, टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसमें काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है जहां पे काफ़ी प्रोमिनेंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगू करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डी यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नाडा मलयालम और हिंदी वर्जन में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्ज़न का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फिलहाल में तेलुगु वर्जन में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पे एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनीष शर्मा वहां ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेज़ में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफ़ी तगड़ा नज़र आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है वो टीजर ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स जो टीजर ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी का, का काम काफ़ी अव्वल दर्जे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म की लीड कास्ट लेकर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से जज रहे उनका काम अच्छा नज़र आ रहा है एडिटिंग में काफ़ी बढ़िया काम नज़र आ रहा है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नज़र आ रहा है सी जी का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरह से की गई है प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम न, देखने को मिल रहा है टीजर ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेजेस में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आ अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे फिल्म डे बाई डे वो वा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशोदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेजन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था 17 अक्टूबर 2022 को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी 11 नवंबर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डब्ड द कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है और अब ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ सौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टेग ले सकती है सभी वर्जनस में तो इस तरह से ये फिल्म एक अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए जाएगा यस तो जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम नाम यानी कि यशोदा तो नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी, भी किया हुआ है वहीं पर जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा शिवालेंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म में जहाँ पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्नी मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज शत्रु मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही तो उनकी लैंग्वेज में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहाँ वही इसके अलावा हिंदी वर्जन को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज़ के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंसेस टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसमें काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है जहां पे काफ़ी प्रोमिनेंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगु करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डियो यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्ज़न में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्जन का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्ज़न में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पर एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो और उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूज़िक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनी शर्मा वाले ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेजेस में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफी तगड़ा नजर आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है और टीज़र ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स जो टीज़र ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी जे आई का काम काफ़ी अव्वल दजे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म की लीड कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से जज रहे उनका काम अच्छा नज़र आ रहा है में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नजर आ रहा है सी जी आई वी एफेक्स का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी तरह से किए गई है प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम न, देखने को मिल रहा है टीज़र ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है अब ये फ़िल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक किसी तरह का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेज में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आए अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे फिल्म डे बाई डे व वा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशोदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेशन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था सत्रह अक्टूबर दो को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी ग्यारह नवम्बर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डब द कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है और अब ये फिल्म ग्यारह नवंबर दो को रिलीज होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टेग ले सकती है सभी वर्जन्स में तो इस तरह से ये फिल्म एक का अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए जाएगा यस तो जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है वहीं पे तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में डब्ड किया हुआ है तो इतने पांच वर्जन में इस फिल्म को थिएटर में सेम नाम यानी कि यशोदा तो नाम के साथ अवेलेबल करने वाले फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी हरीश ने दोनों ने मिलकर किया हुआ है इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है हरी शंकर और हरीश नारायण ने जहाँ पे हरी शंकर हरीश नारायण ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भी लिखा हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग्स है वो पुलागम चिन्ना नारायण ने लिखे हुए और चल्ला भाग्या लक्ष्मी ने लिखे हुए ओरिजिनल डायलॉग तेलुगु वर्जन के लिखे हुए फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है शिवा लेंका कृष्णा प्रसाद ने जिन्होंने श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म का बजट अच्छा खासा है एक मीडियम बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे समन्था लीड रोल में देखने को मिलेगी जिन्होंने टाइटल किरदार यशोदा प्ले किया हुआ है उन्नी मुकुंदन गौतम के रोल में दिखाई देंगे वारा लक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रोल में दिखाई देंगी इनके अलावा राव रमेश मुरली शर्मा संपतराज शत्रु मधुरिमा दिव्या दिव्या श्रीपाडा कल्पिका गणेश प्रियंका शर्मा राजीव कुमार अनेजा सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनके रोल का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन ये सभी आर्टिस्ट इस फिल्म में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एम्स अशोक कुमार ने की हुई है एडिटिंग माथन के वेंकटेश ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइज में खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस जो श्रीदेवी मूवीज़ है वही तो उनकी लैंग्वेज में तेलगू लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वहीं वही इसके अलावा हिंदी वर्जन को यशोदा फिल्म के हिंदी वर्जन को यू एफ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है तो यू वालों ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज़ के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म के राइट्स दिए गए हैं इस फिल्म के लीड कास्ट है उनकी परफॉर्मेंस टीजर ट् ट्रेलर जो आउट हुआ है उसमें काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है जहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट का एक प्रीमाइज देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर ले तो समन्था को इस फिल्म में तमिल तेलुगु करके एक फिल्म बनाने वाले थे बायलैंगल तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर 2021 में इस फिल्म को डायरेक्टर डी यानी कि हरी शंकर और हरीश नारायण मिलकर बनाने वाले श्रीदेव मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप की हुई थी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर दो को की गई थी यशोदा नाम के साथ जहाँ पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु तमिल तेलुगु को छोड़ के कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में फिल्म को डब किया हुआ है लेकिन बाद में तमिल वर्ज़न का जो वर्ज़न था तमिल वर्ज़न उसको डब कर सॉरी ड्रॉप करते हुए डब कर दिया गया तो इस फिल्म को सिर्फ अभी फ़िलहाल में तेलुगु वर्ज़न में ही बनाया हुआ है सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग का काम है वो एम सुकुमार माथन के वेंकटेश को रिस्पेक्टिवली दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी वो दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट कर दी थी जब फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद तुरंत हॉलीवुड के एक स्टंटमैन है यानिक बेन उनको इस फिल्म में एक सिक्वेंस के लिए एक्शन कोरियोग्राफी के लिए लिया गया था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में एक ट्रेन और के लिए एक समन्था के लिए कोरियोग्राफ किया हुआ था स्टंट वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को करीबन सौ दिनों में कंप्लीट करवाया हुआ है तो काफ़ी लंबे समय में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी फिल्मिंग को पूरी तरह से जुलाई दो को कम्प्लीट किया गया था जहाँ पर एक सॉन्ग बाकी था इसके अलावा सी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसके बाद साथ ही में स्टार्ट करवा दिया गया था जितना वर्क होता गया उतना पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलता रहा जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो और उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूज़िक वालों ने सभी वर्जन के तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम और हिंदी जहाँ पे मनी शर्मा वाले ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं तो ये सभी गाने आपको यूट्यूब पे वहीं पे यानी कि आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेजेस में साउथ इंडियन और हिंदी लैंग्वेजेस में अब हम बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर के ऊपर तो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है समन्था के ऊपर जो यशोदा का किरदार सेट किया हुआ है जिसमें उसमें जो सेट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं बारीकी डिटेल के साथ जो एक एक एक्टर्स को रोल दिया हुआ है उनके ऊपर वो रोल जच रहा है वो सभी कैरेक्टर के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है टीजर ट्रेलर में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है बैकग्राउंड स्कोर काफी काफी तगड़ा नजर आ रहा है फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है जो साइंस फिक्शन और एक्शन का थ्रिलिंग मोमेंट के साथ जो कॉम्बो डाला हुआ है और टीज़र ट्रेलर में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है डायलॉग्स काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे हैं इसके अलावा इस फिल्म के जो डायलॉग्स जो टीज़र ट्रेलर में आउट हुए उसमें काफ़ी देप नज़र आ रही है सिनेमेटोग्राफी सी जे आई का काम काफ़ी अव्वल दजे का देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक मीडियम बजट फिल्म है सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के मूड माहौल को मूड को कैप्चर किया हुआ है फिल्म की लीड कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर ये रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से जज रहे उनका काम अच्छा नज़र आ रहा है में काफी बढ़िया काम नजर आ रहा है म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिल रहा है आर्ट डायरेक्शन अच्छा नजर आ रहा है सी जी आई वी का काम भी बढ़िया है प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी तरह से किए गई है प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आ रही है तो इस फिल्म का ये सभी डिपार्टमेंट में काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम देखने को मिल रहा है टीजर ट्रेलर को जो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी लैंग्वेजेस में जो रिस्पांस मिला हुआ है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है अब ये फिल्म जब रिलीज़ होती है तो ठीक इसी तरह का रिस्पांस पॉजिटिव रहेगा तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी मिनिमम सौ से डेढ़ सौ करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा अगर फिल्म का मिक्स वर्ड ऑफ माउथ रहा तो पचास साठ करोड़ में ये फिल्म निपट सकती है तो ओवरऑल सभी लैंग्वेज में अगर अच्छा खासा कलेक्शन आए अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो सभी लैंग्वेज में धीरे धीरे ये फिल्म डे बाई डे वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते ग्रोथ ले लेगी यशोदा फिल्म को पहले इनिशियली 12 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया गया था तब इंडिपेंडेंस डे आता है और साथ ही में रक्षाबंधन था तो एक अच्छा ओकेजन था लेकिन बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया था सत्रह अक्टूबर दो को एक नई रिलीज डेट बताई गई थी जो थी ग्यारह नवंबर दो और उसके बाद में कहा गया था कि इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी मलयालम और डब द कन्नडा वर्जन में डब करके फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो फाइनली फिल्म के टीज़र ट्रेलर को सभी कंटेंट को आउट किया हुआ है जिसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है और अब ये फिल्म ग्यारह नवंबर दो को रिलीज़ होने के लिए तैयार है अब देखने वाली बात ये है कि इस फिल्म का वर्क जो काम है जो कंटेंट है वो किस तरह का निकलता है डायरेक्शन किस तरह का रहता है पूरी फिल्म में अगर सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से परफेक्ट रही तो ये फिल्म ज़रूर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी मिनिमम डेढ़ सौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है तो एक अच्छे खासे हिट का टैग ले सकती है सभी वर्जन में तो इस तरह से ये फिल्म एक अच्छा खासा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है इसके अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद ये फिल्म आपको ओ टी टी पे देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अब कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली है इसके अलावा इस फिल्म को टी वी पर थिएट्रिकल रिलीज़ के पाँच सात महीनों के बाद सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टिवली प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में तो इस तरह से यशोदा फिल्म को ऑफिशियली सभी लैंग्वेज में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए 这个。 तो गायज यशोदा फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा की हुई है कि क्या हो सकती है उसका प्रोडिक्शन दिया हुआ है स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के ऊपर बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत की हुई है प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक प्रोडिक्शन दिया हुआ है तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग सभी अपडेट मैंने दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू